जब बात फैमिली पे आए तो डिस्कशन नहीं करते, एक्शन करते। हाँ जी गाइस, अब बात करते हैं भाई साहब यहाँ पर सहजादा हमारे अक्षय पाजी के अल्ट्रा प्रो लाइट वर्जन। भाई साहब यहाँ पर इनकी मूवी आ रही है सहजादा, आप जानते हैं भाई साहब 17 फेब फाइनली आ रहा है। लेट्स सी क्या सहजादा कुछ धमाकेदार तरीके से ओपनिंग मारता है, क्योंकि भाई साहब फर्स्ट टाइम कार्तिक आर्यन स्टार माने जाने के बाद, जब उनको किसी ने एक सुपरस्टार एक स्टार माना है, उसके बाद से उनकी एक पहली फिल्म है जहाँ पर भाई साहब आपको कार्तिक का पावर देखने को मिलेगा कि कार्तिक के अंदर वाकई में कितना पावर है। इस बात करते हैं भाई साहब इसके एडवांस बुकिंग को लेकर के, इसके फर्स्ट रिव्यू आ चुका है उसके ऊपर बात करते हैं, इसके कुछ राइट्स बेचे गए हैं उसका भी नाम सामने आया कि कितने कलेक्शन मूवी ने किए हैं, और क्या लगता है यार मूवी का फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग कितना होना चाहिए, मूवी के एडवांस बुकिंग का सीन क्या चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई साहब इसके रिव्यू को लेकर के, रिव्यू स्काउट हो चुका है भाई साहब यहाँ पे बॉलीवुड से जुड़े हुए हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट जंडू रिव्यूअर भाई साहब यहाँ पर हमारे उमेर संधू ने इसके ऊपर रिव्यू शेयर किया। फर्स्ट रिव्यू उन्होंने शेयर किया सेंसर बोर्ड से, पता नहीं कहाँ से ढाप के देख लेता है बंदा। इसने लिखा है एन एवरेज मास मसाला फ्लिक, डायरेक्शन इज क्लासी, डायलॉग्स इरिटेट्स अलॉट एंड कार्तिक एंड परफॉर्मेंस इज स्ट्रिक्टली टाइम पास। कार्तिक को सीधा टाइम पास इस बंदे ने बोल दिया। कृति सेनन डिजर्व्स बेटर, मिक्सचर ऑफ ऑल डेविड धवन फिल्म्स एंड अला वैकुंठ पुरोमुलो आप जानते हैं इसका कि तेलुगु वर्जन था, और उसी के भाई साहब यहाँ पर यह हिंदी में इसको रीमेक किया गया। रीमेक में इसको नहीं बोलूँगा, रीमेक से एक एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पर कॉपी पेस्ट, तो थोड़ा बहुत वर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी जो आप ट्रेलर के अंदर देखते हैं इवन इसके कैरेक्टर्स के नेम भी यहाँ पर सेम रखे गए हैं। सो ये कुछ अलग लेवल का यहाँ पर रीमेक चल रहा है। बात करते हैं भाई साहब यहाँ पर इसके कमाई को लेकर के, गाइस मूवी ने ऑलरेडी अपने राइट्स वगैरह बेचना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इसको मालूम है कि फ्यूचर क्या होगा इसका, पहले से तैयारियां हो रही यहाँ पर। और भाई साहब यहाँ पर इसने अपने म्यूजिक राइट्स को बेच करके 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, सैटेलाइट राइट्स को बेच करके 15 करोड़ कमा लिए हैं, और फिल्म ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ डील कर लिया। गाइस नेटफ्लिक्स के साथ भी इसका डील हो चुका है ऑलरेडी, मतलब रिलीज होने से पहले सब चीज़ डनाडन हो चुका है। यहाँ पे भाई साहब 40 करोड़ के अंदर इसकी डील हुई है, और टोटल मूवी ने अभी तक 65 करोड़ की कलेक्शन कर चुकी है सब कुछ बेच बात के। अब बात करते हैं भाई साहब इसकी एडवांस बुकिंग, यहाँ पर मोर देन 11,400 टिकट्स बिक चुके हैं इसके नेशनल चैंस के अंदर, PVR INX एंड सिनेपोलिस इन सभी जगहों को मिला करके अगर देखा जाए तो 11,400 से ज़्यादा इसके ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एंड यहाँ भाई साहब ट्रेडर्स का जो मानना है कि अगर ये मूवी 30,000 से ज़्यादा टिकट्स नहीं बेचती इसका भाई गेम ओवर हो जाएगा, मतलब समझ लो कि बहुत बुरा हाल हो सकता है। एंड अगर कलेक्शंस की बात करते हैं तो भाई साहब कलेक्शंस यहाँ पे सामने आए कि मूवी की जो एडवांस बुकिंग हुई है अभी के टाइम पे आफ्टरनून की रिपोर्ट्स के हिसाब से थर्सडे 72 लाख प्लस ऑलरेडी पहुँच चुकी है। यस 72 लाख अभी तक पहुँचा है। होप सो अगर ये मूवी 1.5 से 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग टच नहीं करती कहीं ना कहीं इसके लिए 7 to 8 करोड़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा टच करना फर्स्ट डे कलेक्शंस के मामले में। और अगर 7 से 8 करोड़ भी मूवी कलेक्शन टच नहीं कर पाएगी, किस हिसाब से आप बोलेंगे कि कार्तिक आर्यन का एक पावर जलवा जादू जो भी लोग यहाँ पर हवाबाजी मार रहे हैं आजकल किस तरह से सामने आएगा। आई होप मूवी कुछ कलेक्शन करे, और जिस तरह से लोग इनको कंपेयर कर रहे हैं अक्षय कुमार से अगर सच में ऐसी कोई बात है तो वो सामने निकल करके आएगी। देखते हैं कल के दिन सहजादा फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्या धमाका करती है, कल के दिन मालूम पड़ेगा। बाय बाय।